तीन साढ़े तीन घंटे मजीद इस तरह से की जानब से सरकार दौलत मदार के वकीलों ने जो है वो बहस जवाब में बहस की उन्होंने, और एक बात भी वो ये नहीं कर सके कि ये जो साइफर के मुंदरजात थे जो डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर असद मजीद को धमकी दी थी कि अगर तुमने प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद के ज़रिए ना निकाला या तो अमेरिका तुम्हारे साथ बुरी करेगा और अगर निकाल दिया तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा। अब मैंने बार बार कहा, मैंने कहा जी इसमें ये तो बता दें कि इसमें से कौन सा ऐसी बात है जिससे पाकिस्तान का दिफा कोई कमज़ोर होने जा रहा है या इसकी सॉवरनिटी इंटेग्रिटी इसकी जो है इंडिपेंडेंस पर कोई हरफ आ रहा है या इसके कोई तनसीबात पर कोई दुश्मन को रसाई आ रही है या उसको इतला कोई फराहम हो रही है। कोई एक बात तो बता दें, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट को कैसे आप इतला कर रहे हैं, एक ताज बरतानिया का 100 साल का पुराना कानून जो 1923 का है जिसमें उन्होंने जो है जो हिंदुस्तान के जो बासी थे उनको ग़ुलाम रखने के लिए ये कानून बनाया था कि उनसे जो जुल्म और ज़्यादती रवा की जाए जिस तरह भी उन्हें पकड़ के उठा के और उनको सजा कर दी जाए, ये उस कानून के तहत क्या अब आज़ाद पाकिस्तान जिसमें एक आइन की अमलदारी भी है उन 25 करोड़ अवाम को भी ग़ुलाम करने का जो है इन्होंने आज़म कर रखा है, क्योंकि ये पहली नौइयत का केस है, वाहिद नौइयत का पाकिस्तान का केस है जिसमें वज़ीर आज़म को अपने ही एक जो है मामलात में एक अवाम को जो है एतमाद में लेने की पादाश में उसको जो है पाबा सलासल किया हुआ है। अब अगर वज़ीर आज़म, मैंने बार बार ये कहा और मैंने आर्टिकल 248 पढ़ के भी सुनाया, मैंने प्रीएम्बल को भी पढ़ के सुनाया, मैंने जो है आर्टिकल 7 को भी पढ़ के सुनाया, आर्टिकल 5 को भी पढ़ के सुनाया और मैंने वज़ीर आज़म का हल्फ पढ़ के सुनाया जिसमें हल्फ पर वज़ीर आज़म अपना ही इस चीज़ का फैसला कर सकता है, तहिया कर सकता है कि कौन सी चीज़ उसने जो है किसके साथ शेयर करनी है और कौन सी चीज़ को आवाम के साथ शेयर करना है। और अगर वज़ीर आज़म मेरी नज़र में, जो मैंने अदालत को भी कहा कि मेरी नज़र में अगर वज़ीर आज़म अवामुन्नास से ये शेयर नहीं करता तो वो अपने साथ या अपने हल्फ के साथ वफादारी नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका का एक असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू धमकी देता है पाकिस्तान के मामलात में संगीन मुदाखलत करता है और वज़ीर आज़म को कहता है हकूमत तब्दील करो और जो है इस तरह से अगर वो मुदाखलत करते हैं तो वज़ीर आज़म का फ़र्ज़ बनता है कि वो आवाम को इस एतमाद में ले कि हमें ये सुपर पावर का एक जो है ब्यूरोक्रेट इस तरह की धमकी पाकिस्तान के में, लेकिन इससे पहले वज़ीर आज़म नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और सीनियर वज़रा के अलावा चारों सरबराहान अफवाज पाकिस्तान के होते हैं, यानी आर्मी चीफ होता है, एयर चीफ होता है, नेवल चीफ होता है और DGISI होता है, चारों मौजूद होते हैं। ये यानी अस्करी क़यादत पूरी पाकिस्तान की उसमें मौजूद होती है और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये डोनाल्ड लू का ये जो फरमूदात हैं हमारे असद मजीद एम्बेसडर को, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में शदीद मुदाखलत है, संगीन मुदाखलत है और इसका जो है शदीद जवाब दिया जाए, रद्द अमल डिप्लोमेटिक तरीके से किया जाए और उसी की जो है अमलदारी करते हुए मोहतरम इमरान खान साहब ने सारी कौम को भी बताया और सब कुछ है। और फिर ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदाद थी, ये बाद में खुद शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इस इशू पर बुलाई, असद मजीद एम्बेसडर को बुलाया उन्होंने उस मीटिंग में जो नेशनल सिक्योरिटी जिसमें चारों सरबराहान अफवाज पाकिस्तान के मौजूद थे उनकी मौजूदगी में, और उसमें ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर और उस वक्त की काबीना शहबाज शरीफ के जेरे जो साया थी वो बैठ के उन्होंने फिर सुना असद मजीद का और उन्होंने कहा वाकई ही
ये साइफर के मंदरजात बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई कमी बेशी नहीं है और ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और डिबॉश लिखा गया। तो ये तस्दीक की और बाद में जो है शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए इस बात की तस्दीक की। तो मुझे बताएं, इस पर शर्म आनी चाहिए जिसने ये केस बनाया है। एक दिन भी इसमें जो है नवाज मोहतरम इमरान खान का बाबा सलासर रहना या जेल में रखना, 25 करोड़ अवाम की इज्जत और नामूस का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। हम क्या एक गयूर कौम की हैसियत से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर बैनुल अक्वामी तौर पर किसी भी इज्जत और वकार का मुकाम हासिल करना है तो पाकिस्तान को अपने मामलात जो है अपने हाथ में लेना पड़ेंगे, किसी की डिक्टेशन नहीं ली जाएगी। और यही मैंने कहा कि बदकिस्मती से ज़ियाउल हक ने भी जो है ये अफगानिस्तान जंग अमेरिका के लिए लड़ी, पाकिस्तान के शहीद करवाए, और फिर इसी तरह 9/11 में मुशर्रफ ने भी ये अमेरिका की जंग लड़ी जिसमें पाकिस्तानी शहीद हुए और आज भी हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। मैंने कहा जी बस कर दीजिए, गुलामी बस कर दें और पाकिस्तान को एक आज़ाद रियासत के तौर पर काम करने दें। इसलिए इमरान खान को उम्र कैद भी हो सकती है, इसमें क्या कहेंगे, सजाए मौत भी हो सकती है? कर दें जी, कर दें, अल्लाह अल्लाह मालिक है। भुट्टो को भी हमने फांसी लगा दी थी, आज पाकिस्तान उसका जो है उससे नहीं निकल सका है। आज पाकिस्तान की जो अदलिया पर जो हर्फ आता है वो अदालती कत्ल कहते हैं, आज भी दुनिया उस पर हंसती है। और आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो ये कहता है भुट्टो जिंदा है, आज भी भुट्टो जिंदा है। तो फिर मुझे बताएं कि इस तरह से किसी को मारने से क्या ये लोग क्यों गम गुस्सा और पाकिस्तान के अवाम का गैज़ो गज़ब का खुदा का खौफ करें। देखें ज़रा, आज वो 70 की दिहाई नहीं है, 80 की दिहाई नहीं है, 90 की दिहाई नहीं है, 2023 है आज। आज का पाकिस्तान हर एक के हाथ में, हर जो है वो मौजूद है, इंफॉर्मेशन का मीडिया मौजूद है, मोबाइल मौजूद है। सो आज का पाकिस्तानी जो है, आप एक दफ़ा इलेक्शन होने तो दें, फिर देखेंगे इनको पीडीएम को कितनी मार पड़ती है, इनकी जमानतें जब्त होंगी। क्या क्या फैसला आ सकता है, क्यों फैसला महफूज कर लिया गया, क्या तवक्कात है आपकी आज की? देखें, मैंने और हमारे वकला की जो टीम थी माशाल्लाह, हमने अपना कमा हक अदा किया है, पाकिस्तान के लिए हक अदा किया है, आइन की बालादस्ती के लिए किया है, रूल ऑफ लॉ के लिए किया है। हमने बहस अपने मौकिल की, इमरान खान की दिल से जो है हमने, और अपनी जो बसात थी हमने मैक्सिमम किया है। आगे जज, एक मिनट यार सुन तो लो जवाब, आगे जज साहिबान जो होते हैं ये अल्लाह का एक तफवीज़ शुदा अख्तियार है, ये अल्लाह को जवाब दें, मेरे अल्लाह को जवाब दें। अल्लाह ही इंशाअल्लाह इंसाफ करता है, अल्लाह के यहाँ देर ज़रूर हो सकती है, अंधेर नहीं होता है। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि ये जो है केस खत्म हो जाए। तो साहब, अक्सर फैसले जो है महफूज होने के बाद जो है सुनाने में बड़ी तखीर की जाती है, तो आप समझते हैं कि इस केस को भी जो है फैसला महफूज करके देखें, मैंने खाने में रख दिया जाएगा? मैंने ये जो क्वाशमेंट की पिटीशन लगवाई है, मैंने रिक्वेस्ट करके उन्होंने पजीराई की, मुझे कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब ने, मैंने कहा जी 17 को उसने रखा हुआ है, बुलडोज कर रहा है, दिलावर वाला काम हमसे ना करवाएं। आपने वो मजाक हुआ था दिलावर ने जो 3 साल सजा की थी, वो आज आप पर भी हरफ आ रहा है और अदालती निज़ाम पर सारे हरफ आ रहा है। तो आप मेहरबानी करें कि ये ना हो कि आप पेंडिंग रखें वहाँ, वो बुलडोज करके कर दे। 17 को उसने फर्ज जुर्म के लिए रखा है, आप पहले रखें। आज मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी इस बात पर, उन्होंने पटिशन मेरी एक दिन पहले रखी 16 को, बेल पहले ही से लगी हुई थी जिसको सलमान सफदर कर रहे हैं, चुनाचे आज वो इस वक्त तक बैठे हुए हैं। इस वक्त तक बैठकर उन्होंने कहा कि करो बहस। और क्या मैं अपने वकीलों वकला के खिलाफ, मैंने कभी बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने जितना वक्त वो ज़ाया कर सकते थे पहले जब मैंने शुरू की तो कहा जी जवाब देना है, हमें तारीख चाहिए, वक्त चाहिए। उस पर मैंने मुखालफत की, तो शदीद मुखालफत की, तो जैसे आपने कहा चलें आप को सुनते हैं तो फिर इनको देख लेते हैं। ऐसा क्या हुआ था? टीम के सामने बड़ा गुस्सा कर रही थी।